हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाते समय अभी दिल्ली टू जयपुर हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, टाटा उसमें इंटरेस्टेड है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो हाईवे है ये BOT में क्यों नहीं बनाते हैं इलेक्ट्रिक हाईवे, क्योंकि अगर टाटा वाले अगर बिजली खरीदते हैं तो 12 रुपये रेट लगता है। तो मैंने उनको कहा कि 51% इक्विटी NHAI का दो राइट ऑफ वे के बदले में, 49% आपके लो, ऑपरेशन के अधिकार आपको, फाइनेंशियल अधिकार आपको, सब कुछ आपको, और आपको बिजली मिलेगी 3.5 से 4 रुपये यूनिट, क्योंकि सरकारी कंपनी होगी तो, और आप धीरे धीरे ट्रक बसेस इसमें जाते रहेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा इनकम मिल सकता है। अभी मैं बंगलोर में गया था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की काफी बड़ा एग्जीबिशन था। अब धीरे धीरे ट्रक इलेक्ट्रिक पर आ रहे, बसेस आ रही, डबल डेकर बसेस आई है, और लिथियम आयन बैटरी के कारण हमारी जो कॉस्ट थी $150 पर आवर पर किलोवाट, वो $115 पर आई है, फिर भी वो ज्यादा है। पर अगर हम लिथियम आयन बैटरी नहीं लेते तो ट्रक में और बस में हम करीब 50 लाख रुपए कीमत कम कर सकते हैं, और ये अगर कम होगी ट्रॉली बस, अभी हमने एक, मैं जेकोस्लाविया गया था तो स्कोडा में गया था, तो 150 लोग बैठ सकते हैं इसी बड़ी बस, 3 बसेस को जोड़कर, जिसमें बिजनेस क्लास और ये भी होगा, केबल पे चलेगी, और जो बस है उसमें जो हवाई जहाज में सुविधा होती है, एयर होस्टेस जो देती है चाय कॉफी नाश्ता, वो सब मिलेगा, और दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली ये मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि ये जो हाईवे पर ट्रक और बसेस चलने लगेगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, नेचुरली फ्यूल का भी, मैं इथेनॉल के गाड़ी में आया हूँ, तो ये टोयोटा की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसमें मैं अभी आया, वो Euro 6 उसके इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, और वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है, तो 120 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव है इथेनॉल 60 रुपये, तो उसका एवरेज खर्चा आता है पेट्रोल से तुलना करेंगे तो 25 रुपये पेट्रोल का भाव होगा, और इलेक्ट्रिक यूज करोगे तो शायद 5 रुपये लगेंगे। हाइड्रोजन में जो रिसर्च चल रहा है उसमें हमारी सबकी कोशिश है कि $1 के नीचे 1 kg हाइड्रोजन मिले। जो इलेक्ट्रोलाइजर की सिस्टम है उसमें से 50 यूनिट बिजली लगती है 1 किलो के लिए, तो नेचुरली 150 रुपये की बिजली लगती है तो कॉस्ट 300 रुपये तक जाती है। तो अभी 2-3 टेक्नोलॉजी आई है जो म्यूनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेट करके उससे, और उसके साथ साथ बायोमास से हम लोग मीथेन बनाकर हाइड्रोजन बनाएंगे, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है कि $1 तक प्राइस आएगी। तो आने वाले समय में फ्यूल अगर बदल गई और रोड अच्छे हो गए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आज 14 से 16%, वो 9% पे लाने का हमारा सबका उद्दिष्ट है, उसके सिवा हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और इसलिए जो इलेक्ट्रिक हाईवे है ये आने वाले समय में, आप जैसे ये टोल ऑपरेटर, ये हाईवे ऑपरेटर है, तो ये इलेक्ट्रिक हाईवे में भी इन्वेस्ट करें। तो अगर आप भी ऐसे हाईवे में आएंगे तो इलेक्ट्रिक बसेस आएगी, इलेक्ट्रिक ट्रक आएंगी, लगभग तैयार है, उसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, अब टाटा अभी उसके लिए तैयार है, तो ऐसे बहुत सी कंपनियां आएंगी और इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो नए नए इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमिक रिवाइवल है, जिसका IRR अच्छा है, ऐसी बहुत सी चीजें जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके कारण आ रही है, और ये केवल हाईवे ऑपरेटर्स तक नहीं है, टोल कलेक्ट करना और हाईवे खरीदना यहाँ तक नहीं है, तो धीरे धीरे इसमें भी आप लोग सोचकर इसमें और किस प्रकार से हम लोग और डेवलप कर सकते हैं, तो इसको जरूर सोचिए। हाईवे सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, कभी कभी बहुत फॉरेन डेलीगेशन आते हैं मेरे पास, तो मैं बैठता हूँ ना चाय पियो, फिर पूछता हूँ उनको कि डॉलर में देना है कि रुपीज में देना है, अगर डॉलर में देना है तो डोंट वेस्ट टाइम, चाय पियो, नमस्कार करो, निकलो, क्योंकि हम लोग डॉलर में ले नहीं सकते पैसे। मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर जाऊँ तो मुझे एक एक प्रोजेक्ट के लिए 6-6 महीने अप्रूवल लगेंगे, बोला रुपीज में देते हो क्या, हेजिंग आप करो। तो आज हाईवे में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात ऐसी है कि रुपीज में इन्वेस्ट करना, या डॉलर में अगर आप पैसा लाएंगे तो फिर उसकी रिस्क है डॉलर रुपीज फ्लक्चुएशन की, वो आप जरूर देखिए।
तो हम धीरे धीरे काफी बड़े प्रमाण पर एसेट्स मोनिटाइज कर रहे हैं, और एसेट के साथ साथ ये जो नए इनोवेशंस हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इसके कारण भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे चांसेस हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को जो तकलीफ होती है कि टोल के डिस्टेंस 60 किलोमीटर होते हैं, और जो 15-20 किलोमीटर से जाता है तो उसको 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। तो जहाँ से एंट्री होगी और जहाँ से निकलेंगे उतना ही टोल देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए भी वो सुविधा का होगा।